गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आइए यहाँ पे देखते हैं। बोला है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द एफ एक्स नाइन माइनस एक्स पी एक्स माइनस वन पी फोर परमिटेशन। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या निकालना है, डोमेन और रेंज। डोमेन मतलब होता है एक्स का वैल्यू और रेंज मतलब होता है वाई का वैल्यू। तो आइए देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे। हम लोग परमिटेशन में जानते हैं कि ऊपर वाला हमेशा नीचे वाले से बड़ा होता है या इक्वल होता है। तो उसका लिखेंगे यहाँ पे नाइन माइनस एक्स ग्रेटर देन एक्स माइनस वन। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस एक्स ग्रेटर देन वन माइनस नाइन, तो आपका हो जाएगा माइनस टू एक्स माइनस टेन। दोनों तरफ नेगेटिव कैंसिल करेंगे तो ये बड़ा वाला छोटा में बदल जाएगा। इनइक्वलिटी का रूल है, टेन को टू से डिवाइड करेंगे, ये हो गया फाइव और ये छोटा का। एक्स का वैल्यू पाँच से छोटा होना चाहिए और पाँच होना चाहिए। और हम लोग जानते हैं कि नीचे वाला या तो जीरो के बराबर होगा या जीरो से बड़ा होगा। तो इसका भी यूज करेंगे, एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या मिला, ग्रेटर देन इक्वल टू वन मिला। तो ये वैल्यू बोल रहा वन से बड़ा लो और ये वैल्यू बोल रहा है फाइव या फाइव से छोटा लो। तो मेरे को एक्स का वैल्यू मिल गया, क्या मिला, वन टू थ्री फोर और फाइव, ये वैल्यू मिल गया। तो ये हमको डोमेन पता चल गया, ये मालूम हो गया, डोमेन मालूम हो गया। तो डोमेन के बाद हमको रेंज निकालना है। तो ये वैल्यू जो है बारी बारी से इसमें पुट कर देंगे तो वाई का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ से ये वैल्यू देखिए कैसे पुट करते हैं बारी बारी से, एफ एक्स इक्वल टू ये वन है तो यहाँ पर वन पुट करेंगे, नाइन में से वन गया एट, वन में से वन गया जीरो। तो ये हो गया एट पी जीरो, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा वन, ठीक है। फिर यहाँ पे एक्स की जगह दो पुट करेंगे तो नौ में से दो गया सात और नीचे हो गया एक, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, सेवन। उसके बाद अगर तीन पुट करते हैं एफ में, तीन पुट करेंगे तो नौ में से तीन गया छः, तीन में से एक गया दो, तो इसको छः इंटू पाँच ये कितना हो गया, तीस। इसको ब्रेक कर देंगे, हम शॉर्टकट तरीके से ब्रेक किए हैं। और इसके बाद एफ यहाँ पे चार बैठाएंगे तो वहाँ पे बैठाएंगे, नौ में से चार गया कितना होगा, पाँच, तो हो गया पाँच और नौ चार में से गया तीन, तो तीन बार लिखेंगे पाँच चार तीन, पंचों को बीस तिहाई साठ हो गया। और उसके बाद हो गया एफ फाइव, तो नौ में से पाँच गया चार और नीचे पाँच में से एक गया चार। तो ये इसका एन एन माइनस आर ऊपर में इसको चार स्टेप पीछे, चार तीन एक, चार तीन बारह, बारह दूनी चौबीस। तो ये जो हमको वैल्यू मिला, ये वाला ये वाला ये तो ये मेरे को वाई का वैल्यू मिला जिसको रेंज बोलते हैं। तो वन मिला, सेवन मिला, थर्टी मिला, सिक्सटी मिला और ट्वेंटी फोर मिला। तो ये मेरा हो जाएगा रेंज और ये हो जाएगा डोमेन। थैंक यू।